हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और बढ़िया सा रिव्यू। अच्छा, अगर आप माइक्रोवेव लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि माइक्रोवेव की नीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली विंटर्स में जब हमें खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो बार बार गैस पर गर्म करने का मन नहीं करता, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी होती हैं जिसके लिए हमें माइक्रोवेव की नीड होती है। सो आज मैं आपके लिए बजाज का माइक्रोवेव जो है इसका रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी थी, ये एक सोलो माइक्रोवेव है, लाइक ये कन्वेक्शन नहीं है, क्योंकि कन्वेक्शन मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे ऐसा काम नहीं करना होता। ये हमने मम्मी के लिए बाय किया, सासू माँ के लिए हमने बाय किया है, और उन्हें उनका जो मेन पर्पज़ था वो यही था कि बस खाना गर्म करने के लिए चाहिए। इससे पहले मैंने OTG बाय किया था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा पावर की प्रॉब्लम थी, वो कम लाइट में नहीं चल पा रहा था ठीक से, तो वो मैंने रिटर्न डाल दिया और मैंने ये नया माइक्रोवेव बाय किया फ्रॉम द ब्रांड बजाज, और इसका जो नाम है वो है बजाज 1701 MT, और इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। एक बार पास से मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की पैकिंग में मेरे को रिसीव हुआ है। माइक्रोवेव को मैंने बाय किया है अमेजन से, रेंज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा, और जिस पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए था मेरा वो पर्पज़ फुलफिल हो रहा है। इसके अंदर आपको मिलेगा माइक्रोवेव, एक रोलर रिंग मिलेगा, एक ग्लास मिलेगा, ग्लास ट्रे, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा और वारंटी कार्ड मिलेगा। सो ये इसके अंदर मिलने वाला है। ये है इसका MRP, लेकिन मैंने जिस रेंज में बाय किया है वो मैंने साथ में मेंशन कर दी है, और जो प्रोडक्ट है अमेजन से ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलते हैं, तो प्रोडक्ट को लेकर के मुझे कोई भी टेंशन नहीं। और मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुकी थी क्योंकि मुझे चेक करना था। सो ये आप देखिए, इस तरह से आपको मिलने वाला है। इसके अंदर आपको एक तो रोलर रिंग मिलेगा, दूसरा इसके साथ आपको एक ग्लास ट्रे मिलेगी जिसे आप माइक्रोवेव में ऐसे रखेंगे और जब भी खाना गर्म होता है, कुछ भी आप करते हैं तो ऐसे राउंड एंड राउंड घूमती है। अच्छा, रेंज के अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका पर्पस भी सिर्फ यही है कि आपको खाना गर्म करने के लिए चाहिए, तो ये वाला आप आराम से बाय कर सकते हैं, मतलब इस रेंज में बढ़िया ये एकदम प्रोडक्ट है। सो इस तरह से मुझे रिसीव हुआ। ये मैंने अभी खोलकर नहीं देखा था, बस मैंने ये देखा था कि हाँ मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो गया है, और ये आप देखिए काफ़ी हैवी ये है, मतलब जो मैंने OTG लिया था ना वो तो बहुत हल्का फुल्का सा था, माइक्रोवेव काफ़ी हैवी और कन्वेक्शन जो होते हैं वो इससे भी ज़्यादा हैवी होते हैं। सो ये है ये माइक्रोवेव, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, और ये छोटा सा हमने इसलिए लिया है क्योंकि मम्मी पापा सिर्फ 2 ही जन हैं, तो 17 लीटर की कैपेसिटी सफिशिएंट है। ये आपको पावर नोब मिलेगा, ये टाइमर नोब मिलेगा, लाइक जितने टाइम के लिए आपको खाना रखना है वो, और यहाँ से आप पावर सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हाई टू मीडियम, यहाँ से सेंटर में मीडियम हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो इस तरह से आप इसकी पावर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से कितने टाइमिंग के लिए आपको फूड मतलब रखना है गर्म होने के लिए। ये बटन है इसमें ओपन करने के लिए, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ये खुल जाएगा। अभी आप देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया है तो यहाँ पर आपको टेप लगी हुई मिलेगी जिसे आपको हटाना है स्टार्ट करने से पहले। ये आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए चारों कॉर्नर में टेप लगी हुई, ये भी हटाना है। सो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, और यहाँ पर वो जो हमारा रोलर रिंग और ये ग्लास ट्रे है इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, मैं अभी टेप को इसलिए नहीं हटा रही हूँ क्योंकि हमें गांव लेकर के जाना है, अगेन मेरे को इसी तरह से पैक करना है। सो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है ना इसका, ये अंदर की तरफ रखा जाता है, लुक एट दिस। और जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे ना तो ये तब राउंड एंड राउंड घूमेगा, अभी टेप लगी हुई इसलिए नहीं घूम रहा, और मतलब इसमें आप आराम से अपना खाना गर्म कर सकते हैं। बढ़िया सा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मुझे लगता है 4 जन की फैमिली के लिए भी ये सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये है इसका कंप्लीट लुक। सो ओवरऑल एकदम बढ़िया पीस है और मुझे अच्छा लगा, और मैं मतलब यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ अगर आपको चाहिए तो आप इसे आराम से बाय कर सकते हैं। बाकी लुक वाइज भी एकदम ओके हैं, और इसके अंदर जो इसका मैनुअल है ना, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये इसका वारंटी कार्ड है और ये है इसका मैनुअल, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। प्लस अगर आपको इसे यूज़ करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप बजाज के कस्टमर केयर पे कॉल करें, वो आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि इसे किस तरह से चलाना है। नेक्स्ट, मतलब एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि इसके अंदर हमेशा अच्छी क्वालिटी के कांच के बर्तन ही यूज़ करें, और एक सोलो माइक्रोवेव है तो आप इसके अंदर बेकिंग वगैरह नहीं कर सकते, ये बस नॉर्मल पर्पज़ के लिए है। और ये आप देखिए इस तरह का, ये वाइट कलर का है, ब्लैक कलर मिल जाएगा, लेकिन दोनों के प्राइस में डिफरेंस था,
और ये मेरे लिए सफिशियंट था तो मैंने इसको बाय किया। सो गाइज मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को है थम्स अप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको ले सकते हैं। चलाना मैं भी एक बार सीख लूंगी क्योंकि मेरे पास नोब वाला नहीं है, मेरे पास कन्वेक्शन है तो उसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है चलाने का। एक बार मैं कस्टमर केयर पर कॉल करूंगी और उसको चलाना सीख लूंगी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से आपको इसकी पावर सेट करनी है, यहाँ से टाइम सेट करना है और खाना आपका गर्म हो जाएगा। सो ये आप देखिए, मैं इसको चला करके देख रही हूँ, मैंने इसको प्लेस कर दिया है, अंदर से टेप वगैरह सब कुछ हटा दिए, ठीक है। अभी मैं इसको बंद करूँगी क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं इसको खाली यूज़ करने वाली हूँ। स्विच को मैंने ऑन किया और पावर सेट की मैंने मीडियम, ठीक है, और टाइम मैंने, जैसे ही आपने टाइमिंग सेट की, आप इसको ये आपको घूमते हुए दिख रहा होगा, अंदर का सर्कल इसमें घूमने लगा। थोड़ी देर इसको खाली चलाएं, मतलब फर्स्ट टाइम जब भी यूज़ करें कोई भी ओवन उसको ना खाली ही चलाएं प्लीज़, के मेरे साइड के डब्बे वब्बे इग्नोर करना, मेरे पति देव ध्यान नहीं दे रहे वीडियो बनाने में। तो ये आप देखिए, और इसके बाद मैं इसमें गर्म पानी करने वाली हूँ क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है मुझे। तो ये आप देखिए, जैसे ही ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना तो वो टन की आवाज़ आएगी और ये बंद हो जाएगा, वो जैसे घंटी बजती है ना वैसी आवाज़ आएगी और ये बंद हो जाएगा। सो अभी चल रहा है क्योंकि मैंने टाइमर बहुत हल्का सा 1 मिनट का सेट किया था मैंने इसका टाइमर। एक मिनट हो गया और ये बंद हो गया। अच्छा वैसे तो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं बंद, इसको खोल करें तब भी नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें यूज़ करते टाइम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं। और इस तरह से प्रीहीट हो जाता है, अंदर से काफ़ी गर्म ये हो चुका है 1 मिनट के अकॉर्डिंग। बस मुझे ना थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, जो इसका ये पावर नोब है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये मैं कल कस्टमर केयर पर, क्योंकि अभी रात हो चुकी है, कल कस्टमर केयर पर कॉल करके बात कर लूँगी। अदरवाइज एकदम बढ़िया ये प्रोडक्ट है और मुझे काफी अच्छा लगा। तो मेरी तरफ से इसके लिए है थम्स अप। सो गाइज आई होप ये वाला रिव्यू आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर आपको पसंद आ रहा, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।